हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप दैट यू आर फाइन। वेलकम टू ड्रोन टेक डॉक्टर। तो इस चैनल पे हम रहते हैं ड्रोन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन और टेक से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन। तो आज का वीडियो है, मैं एक मिड सेगमेंट से उठकर फोन्स के ऊपर ही है बात करने वाला हूँ। मैं रियल मी एक्स टू प्रो की जो लॉन्च हो चुका है और इट इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट चार्जिंग फोन। और इस फ़ोन में मुझे इंटरेस्ट इसलिए है क्योंकि फ़ोन की जान होता है बैटरी और बैटरी की जान होता है चार्जर। और इस फ़ोन में वर्ल्ड का मतलब एट प्रेजेंट जो भी अवेलेबल है इंडिया में फास्टेस्ट चार्जर चार्जिंग चल रही है टेक्नोलॉजीज। 50 वॉट का चार्जर कोई फ़ोन नहीं दे रहा है। तो बने इस फ़ोन के बारे में जानने के लिए मेरे विचार क्या हैं, आपको ये लेना चाहिए किन लोगों के लिए फ़ोन है और किस सेगमेंट में आता है। तो प्लीज़ अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, इस चैनल में आते हैं ड्रोन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और टेक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, जो टेक मैं यूज़ करता हूँ और जो मुझे पसंद है टेक और अपना नॉलेज में शेयर करता हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं ऐसी चीज़ों में टेक में तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, रियल मी एक्स टू प्रो। अब सबसे बड़ा सवाल ये आ रहा है कि रियल मी एक्स टू प्रो क्या वन प्लस सीरीज़ के फ़ोन को खा जाएगा, क्योंकि ये अब हम मिड सेगमेंट में नहीं है। मिड सेगमेंट माना जाता है 15 से 20 के बीच में, वो फ़ोन आजकल बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो उन्हीं में हमारा फ़ोन था बहुत ही चर्चित और बहुत ही ज़्यादा पसंद किया गया M30S। आज मैं बात करने वाला हूँ अपर मिड सेगमेंट, मतलब मिड सेगमेंट से थोड़े ऊपर जो 20 से 30 हज़ार के बीच में फ़ोन आते हैं। और इन्हीं में सबसे पहले वन प्लस लॉन्च हुआ था, अब वो धीरे धीरे उस रेंज को मतलब प्राइस रेंज को छोड़ते हुए आगे 40 45 50 तक जा रहा है। वो हालांकि ठीक नहीं किया मेरे हिसाब से कंपनी ने, क्योंकि उनकी उनकी स्ट्रेटजी यही थी कि आपको अच्छा प्रोडक्ट दिया जाए उस रेंज में जो कि फ्लैगशिप फीचर्स आपको प्रोवाइड करवाए और फ्लैगशिप जैसा दाम ना करे। लेकिन अब वो फ्लैगशिप की तरफ धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, तो ये वन प्लस के लिए एक बुरी बात है। और सबसे बड़ी बात ये है कि अब उसका मुकाबला करने के लिए वन प्लस जैसे फ़ोन का कंपनी ने निकाल दिया है रियल मी एक्स टू प्रो, जो कि ज़बरदस्त फ्लैगशिप फीचर देने वाला फ़ोन है रियल मी की तरफ से। और ये पूरे का पूरा वन प्लस को कंपटीशन देगा और खा जाएगा। और अगर आपके दिमाग में इस रेंज में कोई फ़ोन चल रहा है जो लिया जाए मतलब 20 से 30 के बीच में और जब आपको बहुत ही प्रीमियम फीचर्स प्रोवाइड करे और आपके दाम भी 20 से 30 यानी 29,999 रुपये का है, यानी 30,000 रुपीज़ का फ़ोन है, बट इट इज़ किलिंग वन प्लस बिकॉज जो फीचर्स में इन्होंने प्रोवाइड करवा दिए हैं वो वन प्लस भी नहीं दे पाया। और मेरे हिसाब से अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन है कि वन प्लस लिया जाए या रियलमी की तरफ जाया जाए या फिर आप एक चाहते हैं प्रीमियम फ़ोन गुड बजट में, तब दिस इज़ योर चॉइस रियलमी एक्स टू प्रो। और वो कैसे है वो मैं आपको क्लियर करता हूँ क्या क्या फीचर्स इसमें हैं जो कि बहुत ही बेहतरीन है और फ्लैगशिप फीचर हैं जो मुझे बहुत पसंद आए। स्टार्ट रियलमी एक्स टू प्रो, ये वाइट ब्लू कलर्स में आता है, 4 कैमरे लगे हैं। आजकल कैमरे का तो कहना ही क्या है, हर एक फ़ोन में आपको ज़बरदस्त चीज़ मिल जाती है। तो ये इसमें सबसे पहली बात तो आपको बताएं, पिक्सल्स की बात कर रहे हैं तो पिक्सल इसमें 64 मेगापिक्सल हैं और 4 क्वाड कैमरा है, बट मेन फीचर इसका है 50 वॉट चार्जर। बाकी थोड़ी आपको ओवरव्यू दे देते हैं, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 855 प्लस से ये इसमें प्रोसेसर है, 50 वॉट का सुपर VOC फ्लैश चार्जर है जो कि आधे घंटे में आपका पूरा फ़ोन चार्ज करके ख़त्म करता है एकदम ज़बरदस्त। 90 हर्ट्ज़ का अल्ट्रा स्मूथ डिस्प्ले फॉर द गेमर्स और वीडियोस के लिए भी बहुत अच्छा आपको इसमें डिस्प्ले मिलेगा। अगर आप चाहते हैं 90 हर्ट्ज़ और उसमें क्या फ़र्क है, क्या फ़र्क पड़ता है स्क्रीन में, अगर आप चाहते हैं इसमें मैं डिटेल वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अभी लिखें। और आपको इसमें मिलता है जो मुझे बहुत पसंद है, सुपर AMOLED डिस्प्ले, फुल HD प्लस, HDR10+ सर्टिफाइड, 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा जो है जो कि क्वाड कैमरा है, 4 कैमरे मतलब टोटल मिलेंगे, और उसमें प्राइम कैमरा 64 मेगापिक्सल का है और 20x हाइब्रिड जूम के साथ आता है। और फिंगर इन डिस्प्ले फिंगर है सेंसर, तो ये थोड़ा फ्लैशी चीज़ लगती है मुझे, कुछ वो नहीं है बट इट इज़ देयर, सो मैं आपको बताना ज़रूरी है। वेपर कूलिंग सिस्टम है फॉर द गेमर्स, क्योंकि इसमें आप जब आप एक्सटेंसिव चीज़ें करते हैं लाइक गेमिंग तब आपको कूलिंग सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है और वो इसमें दिया गया है। अप टू 12 GB इसमें रैम आपको मिलती है और 256 GB की आपको इसमें रोम मिलती है। डुअल स्टीरियो स्पीकर्स मिले हैं ताकि आपको वीडियो एक्सपीरियंस विदाउट एनी हेडफोन या मतलब जब आप स्पीकर फोन्स पे सुने तो काफ़ी अच्छा आपको एक्सपीरियंस मिले। बाकी आपको डॉल्बी एटमॉस मिल रहा है, दैट इज़ फॉर योर
एंड दैट इज़ फॉर योर ईयरफोन्स। और 3D ग्लास डिज़ाइन है जो कि मेटेलिक बॉडी है साइडों से और पीछे ग्लास दिया हुआ है एंड गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन है, गोरिल्ला ग्लास 5। सो द प्रीमियम फीचर इज इट इज़ इंडियाज फास्टेस्ट चार्जिंग फोन। आधे घंटे में जी हाँ, ये टेस्टिंग कर चुके हैं काफ़ी लोग, आधे घंटे में ये फुली चार्ज हो जाता है। वेपर कूलिंग सिस्टम फॉर द गेमर्स, टैक्टाइल इंजन मोटर है ताकि आपको मोर रिमोट से, इसका मतलब ये है टैक्टाइल इंजन का कि जब आप कोई चीज़ गेमिंग में करते हैं तो आपको महसूस होता है। एंड बहुत ही पावरफुल इसमें प्रोसेसर डाला गया आपके लिए, क्वालकॉम का 855 प्लस, बिल्ड फॉर अल्टीमेट परफॉर्मेंस, वेरी फास्ट प्रोसेसर फॉर द गेमिंग। और इसमें UFS 3 स्टोरेज है ताकि आपको फास्ट एंड लाइटनिंग स्पीड में स्टोरेज के ऑप्शन मिलें। एंड ये इसके कुछ फीचर्स हैं। कैमरा के मामले में बहुत ज़बरदस्त फ़ोन है, काफ़ी इन्होंने वर्क किया है इसके ऊपर। तो आपको क्वाड कैमरा दे रहे हैं और 64 मेगापिक्सल का कहा जाता है। बाकी मैं पहले बता चुका हूँ कि जो कैमरा फ़ोन में जो कैमरा आते हैं ये सिर्फ एक छेद हैं, मेन इसमें काम करता है UI। तो इसका UI मतलब सॉफ्टवेयर काफ़ी अच्छे से काम करता है। और आपको एक, अगर आप एक फ़ोन चाहते हैं जो कि बहुत ही अच्छे आपको फीचर्स दें फोटोग्राफी में, वीडियोग्राफी में, स्टेबलाइजेशन, दैन दिस इज़ योर ऑप्शन। फ्लैगशिप व्यूइंग एक्सपीरियंस है इसमें, 90 हर्ट्ज का अल्ट्रा स्मूथ डिस्प्ले आपको मिलेगा जो कि आपके व्यूइंग एक्सपीरियंस को, गेमिंग एक्सपीरियंस को और हाई एक्शन को, या आप मूवीज़ देख रहे हैं उसको ज़बरदस्त कर देगा। क्योंकि 90 हर्ट्ज के डिस्प्ले के साथ साथ इसमें आपको मिलेगा सुपर AMOLED डिस्प्ले जो कि आपको मतलब एकदम सिनेमा एक्सपीरियंस, HDR10+ सर्टिफाइड है। तो प्रीमियम कलर्स आपको मिलने वाले हैं, फुल केयर डिस्प्ले सर्टिफिकेशन बाई DUV, मतलब डिस्प्ले के मामले में ज़बरदस्त, कैमरे के मामले में ज़बरदस्त और सबसे बढ़िया आपका चार्जिंग मामले में ज़बरदस्त। और ये इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का इन्होंने स्पेक्स बताए कि 0.23 सेकंड में खोल देता है। तो जनरली जो इन स्क्रीन आपको मिलते हैं फिंगरप्रिंट सेंसर काफ़ी जल्दी फास्ट काम करते हैं। हाई रेजोल्यूशन साउंड क्वालिटी के इन्होंने ले लिया है सर्टिफिकेशन। इसका मतलब ये होता है कि इनमें स्पीकर्स में, जैसे सोनी में हाई रेजोल्यूशन ऑडियो का काफ़ी, सोनी के साउंड सिस्टम में या ऑडियो सिस्टम में आपको ये स्टैंपिंग मिलती है, तो वो इन्होंने सर्टिफिकेशन ले लिया। इसका मतलब यही है कि इसमें आपको स्पीकर्स में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी। बाकी डॉल्बी एटमस आपको ईयरफोन में ही हेल्प करेगा। कर्व 3D डिज़ाइन, डार्जिलिंग टेक्सचर, तो डिज़ाइन वाइज भी बहुत ही ज़बरदस्त तरह से इन्होंने डिज़ाइन किया हुआ है। कर्व्ड एजेस हैं और वाइट और ब्लू कलर में दिख रहा है। और इसके साथ प्रोटेक्शन का पूरा ख्याल रखा गया है, डुअल कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास आपको प्रोवाइड कराया गया है। सो ऑल एंड ऑल बहुत ही बढ़िया पैकेज दे रहे हैं, फ्लैगशिप फीचर्स आपको मिलने वाले हैं इसके अंदर। और एंड द प्राइस इज़ 29,999 रुपीज़। तो क्या है मेरे विचार इस फ़ोन को लेके? तो मेरे विचार ये हैं कि अगर आप एक फ़ोन लेने की सोच रहे हैं, आप चाहते हैं कुछ प्रीमियम चीज़ आपको मिले लेकिन आपका बजट 30,000 तक है, 20-30 के बीच में, देन देर इज़ नो नीड टू गो टू वन प्लस और सम प्रीमियम फोन्स, क्योंकि इस बजट में कोई आपको बेस्ट चीज़ें दे रहा है। फ़ोन में आप क्या ढूंढते हैं? फास्ट चार्जर, दैट इज़ देयर। क्या चाहते हैं? गेमिंग, अगर आप गेमर हैं, ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते आईफोन जैसे एक्सेस या प्रीमियम फ्लैगशिप फोन पे नहीं जाना चाहते लेकिन गेमिंग करना चाहते हैं विदाउट एनी वरी, देन दिस फोन इज़ फॉर यू। फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करना चाहते हैं, 4K तक आपको चाहिए ऐसा फ़ोन जो कि बहुत अच्छा आपको परफॉर्मेंस दे, स्टेबलाइजेशन दे, देन दिस फोन इज़ प्रोवाइडिंग। और सबसे बढ़िया डिस्प्ले आपको बहुत पसंद है और वो भी 90 हर्ट्ज़ का जो कि वन प्लस दे रहा है, लेकिन बहुत महंगा कर दिया उसने फ़ोन, लेकिन इस रेंज में रियलमी ने 90 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले दे के वो भी सुपर AMOLED फाड़ दी है वन प्लस की और तरीके से। तो वन प्लस को भूल जाइए, प्रीमियम फ्लैगशिप्स को भूल जाइए, ये फ़ोन जो है आपको बहुत ही वैल्यू फॉर मनी दे रहा है और 30,000 का फ़ोन है। ईच जो सेगमेंट है उसमें ही आपको बढ़िया चीज़ दे रहा है। और सबसे बढ़िया 50W का चार्जर इसके साथ मिल रहा है आपको, जिससे आपको आधे घंटे में चार्जिंग हो जाएगी। वही था इसमें, 4000 mAh की बैटरी है, वही मुझे था। बट जब आपको इतनी फास्ट चार्जिंग मिल रही है, आधे घंटे में आपका फ़ोन फुली चार्ज हो जाएगा, तब आपको इतनी हैवी बैटरी जो जैसे 6000 mAh की सैमसंग M30S में थी वो आपको ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि आपका फ़ोन अगर आप बहुत ही हैवी ज़्यादा यूज़ करते हैं, आधे घंटे में बॉस आपको पूरा फ़ोन मिल जाएगा फिर से रिचार्ज, मतलब फुली चार्ज हो जाएगा बैटरी से। तो दैट इज़ अमेजिंग।
So it is good in cameras, it is good on videography, it is good in fast charging, it is good in display also. So all in all, bahut hi badhiya package. Though if you want to buy a phone which has premium flagship features, then Realme X2 Pro is the choice for you, because Realme ne phad diye sabki aur bahut hi badhiya features isme la diye hain. Aur agar aap chahte hain ki is phone ka sara matlab detail mein aapko main karun, matlab ye unboxing ho sara kuch ho, to please comment box bhar dijiye. बहुत ज़्यादा डिमांड आएगी तो श्योर आपको इधर अनबॉक्सिंग देखने को मिल जाएगी इस फ़ोन की भी, और मोर डिटेल रिव्यू बाकी काफ़ी लोगों ने दिया. मेरी ये अपनी चॉइस थी, मैंने अपना एक्सपीरियंस बताया जो मुझे लगता है. तो इट इज़ वेरी गुड पैकेज फ़ोन एंड 100% इट इज़ वन प्लस किलर. थैंक यू वेरी मच. अगर आपको पसंद आया वीडियो तो अभी लाइक कीजिए, अपने विचार प्रकट कीजिए और ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे टेक्नोलॉजी से वीडियोज़ मिलते रहें. बाकी मैविक मिनी की जहाँ तक बात है, काफ़ी लोग कह रहे हैं मैविक मिनी की अनबॉक्सिंग हम देखना चाहते हैं. तो फ्रेंड्स, जहाँ तक मैं अभी तक वो आया नहीं है जहाँ से मुझे लेना है, तो जैसे ही आएगा मैं आपका शेयर करूँगा. थैंक यू वेरी मच. सब्सक्राइब कीजिए एंड कीप लाइकिंग आवर वीडियोज़. अगर आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं तो हमारे वसूली हो जाती है मेहनत की, क्योंकि यूट्यूब को लगता है काफ़ी अच्छा वीडियो. तो प्लीज़ आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें. और जो जो ये फ़ोन लेना चाह रहा है, और अगर आप Realme X2 Pro ले चुके हैं, तो आप अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें कि आपको कैसा लग रहा है फ़ोन. थैंक यू.